क्वालिफाई करने के बाद जब खुली प्रतियोगिता हो रही है बीपीएससी की, तो आप लोगों को क्यों रोक सकता है? एक्सपीरियंस के नाम पे वो क्यों रोकेगा? आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर ये बहाली निकल गई बीपीएससी की, तो सुना आपने जैसा कि सर ने बताया, और सर की जो पूरी बात है और लास्ट में आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानाध्यापक की जो बहाली होने वाली है, इसका आप खुल करके सड़कों पर विरोध होगी, आंदोलन भी देखने को मिलेगी आप लोगों को, और कोर्ट में केस भी होगा। जो TET पास करके सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि शिक्षा मित्र जो लोग, उनके पास एक्सपीरियंस है, अब वो लोग 20% का आरक्षण की मांग की है सरकार से। ऐसे में अब जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है 10 वर्षों का, 12 वर्षों का, वो लोग चाहते हैं कि एक्सपीरियंस हटा करके खुली प्रतियोगिता है तो इसमें सबको मौका मिलनी चाहिए। तो हम सभी को, आप सभी को इसकी विरोध करना ही चाहिए। और सुनिए सर क्या कहते हैं। इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि मेरा 7 साल हो गया है जॉब का, मेरा छोड़िए, आप लोग की तरह हम भी यंग हैं, आप लोग भी सब यंग हैं, कुछ हमसे बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, मेरी उम्र 29 साल हुई है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने जब STET क्वालिफाई किया, CET क्वालिफाई आप किए हुए हैं, बहुत सारे BTET क्वालिफाई किए हुए हैं, तो BTET, CTET और STET क्वालिफाई करने के बाद जब खुली प्रतियोगिता हो रही है BPSC की, तो आप लोगों को क्यों रोक सकता है? एक्सपीरियंस के नाम पे वो क्यों रोकेगा? आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अगर ये बहाली निकल गई बीपीएससी के थ्रू, जब आप बनेंगे तो पदाधिकारी बनेंगे, ठीक है, गजेटेड रैंक का आपको वेतन मान मिलेगा, 4600-4200 मिलेगा, ठीक है, वेतन 70-80 हजार बनेगा, और इसमें लाख आप टीचर बन जाइए, +2 टीचर ही क्यों ना बन जाइए, STET में कहलाइएगा नियोजित शिक्षक ही, 35 हजार तक पहुंचते पहुंचते जमाना बीत जाएगा, ठीक है सर, 7 साल नाक रगड़िएगा तब आपको 35 हजार वेतन मिलेगा, और स्टार्टिंग में 20 हजार 18 हजार मिलेगा, ठीक है जी। और ये BPSC की बहाली है, BPSC अगर भगवान की कृपा से आप लोग के हाथ लग गया, आप लोग टैलेंटेड हैं, तो जिंदगी भर फिर ये मत कहिएगा कि हम, मुझे तो मौका नहीं मिला है, सरकार मौका दे रही है, इसको शिथिल करवाइए, अनुभव को हटवाइए, CET जरूरी होना चाहिए, STET जरूरी होना चाहिए, BTET जरूरी होना चाहिए, MA MSc और BA BSc BEd जरूरी होना चाहिए, ये अनुभव कहाँ से आ गया भाई? ये तो शिक्षा मित्र वालों के लिए सरासर किया है, बहाली निकाला है, शिक्षा मित्र वालों को फेवर में है, जब खुली प्रतियोगिता हो रही है तो सबको आना चाहिए ना, सिंपल सा बात है। आप CET क्वालिफाइड हो, STET क्वालिफाइड हो, BTET क्वालिफाइड हो, आपको क्यों रोकेगी सरकार? तो हम कोर्ट जाएंगे, शुरुआत कीजिए, लड़ाई शुरू कीजिए, और टीचर जिनका नियुक्ति हो गया वो तो हो ही गया है नियोजन, लेकिन अब नियोजन ही कहलाइएगा, आपको वेतन मान चाइनीज ही मिलेगा जो हम लोग को मिल रहा है, 7 साल नौकरी का हो गया, अभी भी मेरा वेतन 29 हजार है सर, ठीक है।